तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। हेलो गाइस, वेलकम टू देजीबीटी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल के ट्रेलर के बारे में। आप सभी जानते हो कि कैप्टन मार्वल का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और देन ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था गुड मॉर्निंग अमेरिका के शो पर और देन ये ट्रेलर लॉन्च होते ही यूट्यूब पे धमाका हो गया। काफी फैंस को ये पसंद आया, काफी फैंस को पसंद नहीं आया, ये उनके ऊपर है, क्योंकि ट्रेलर की सबका देखने का तरीका अलग अलग होता है। और देन मैं आज इसका ब्रेक डाउन करूंगा शॉर्ट बाय शॉर्ट कैटेगरी में। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं जो मेरे चैनल पे नहीं है कि शॉर्ट बाय शॉर्ट कैटेगरी क्या होती है। तो शॉर्ट बाय शॉर्ट कैटेगरी होती है हर ट्रेलर के फ्रेम को सीक्वेंस में लगाकर उसे एक्सप्लेन करना प्लस उसका ब्रेक डाउन करना, जिससे कि आपको ट्रेलर की स्टोरी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में उन्होंने जो दिखाया है उसका सीन क्या हो सकता है। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज एक्सप्लेन कर सकूं प्लस ब्रेक डाउन कर सकूं। देन आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि कैप्टन मार्वल के ट्रेलर को देखकर ये बात पता चलती है, कंफर्म हो जाती है कि आपको ये मूवी पूरी तीन फेसेस में दिखाई देगी। नंबर वन फेस, सबसे पहले आपको ये स्कल्स वॉर देखेगी जो उनके प्लेनेट पे जाके लड़ाई होगी। दूसरा वॉर यहाँ पे आपको अर्थ पे देखेगा। थर्ड नंबर यहाँ पे आपको फ्लैशबैक में स्टोरी चलेगी। जी हाँ, यहाँ पर कैप्टन मार्वल की फ्लैशबैक में स्टोरी चलेगी। ये फ्लैशबैक काफी डिफरेंट होने वाला है और देन इसकी स्टोरी भी ओरिजिन चेंज कर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए इसका ब्रेकडाउन शॉर्ट बाय शॉर्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है मार्वल स्टूडियो का लोगो, जिसमें कि पीछे ब्लू कलर और 10 नंबर हाईलाइट हो रहा है, जिससे कि मार्वल स्टूडियो का डिफरेंट लोगो हर बार की तरह बरकरार रहता है। उसके बाद कैप्टन मार्वल का लोगो दिखाई देता है जो कि 90s के स्टाइल में लकड़ी से बनता हुआ उभरता है, आपने अगर नोटिस करा होगा तो। देन उसके बाद यहाँ पे एक सीन आता है क्री साम्राज्य प्लेनेट का, जिसमें कि कैप्टन मार्वल मॉर्निंग में सुबह सुबह उठी होती है और देन सोच रही होती है सनसेट को देखकर और फ्यूचर को देख के कि मैं इस प्लेनेट पे कैसे हूँ, क्योंकि उन्हें वो सपने आते हैं डेली के सपने, जैसे एग्जांपल उनके फ्लैशबैक। जी हाँ, उन्हें अपने फ्रेंड्स याद आ रहे होते हैं, उन्हें अपना बचपन याद आ रहा होता है, उन्हें अपने कॉलेज लाइफ याद आ रही होती है, स्कूल लाइफ याद आ रही होती है, सब कुछ, एवरीथिंग, उनकी मॉम डैड। ये सारे सीन अब कैप्टन मार्वल के ट्रेलर में दिखाई तो नहीं दिए, बट उनके इस सीन को देख के लगता है कि वो अपने सपने को सोच रही हैं। ये सपने बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक छलावा है, विजन, क्योंकि ये सपने रियलिस्टिक होते नहीं है इसलिए क्योंकि उनकी मेमोरी लॉस कर दी जाती है। फिर भी उन्हें इस टाइप के विजन आते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि ये मेरी लाइफ नहीं है, फिर भी उन्हें इस टाइप के विजन आते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सीन आता है मार्वल का और कैप्टन मार्वल का, ये आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक दूसरे की पावर को आजमा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट मिशन मिलता है अर्थ पे जाने के लिए, जिससे कि वो अपनी पूरी टीम तैयार करके, यानी कि स्टार फोर्स, जो कि मैं ऑलरेडी पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन्हें एक नया मिशन मिलता है अर्थ पे जाने के लिए स्कल्स के लिए। आप नोटिस करेंगे जो स्पेसशिप खड़ी हुई है उसके जस्ट बगल में रोनन खड़ा हुआ है, जो कि आपको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखने को मिल चुका है। और देन ये स्पेसशिप में सिर्फ कैप्टन मार्वल को भेजा जाता है अर्थ पर। ये अर्थ काफी डिफरेंट होता है क्योंकि ये 90s का है और कैप्टन मार्वल की ये पहला दौर होता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कि पूरा स्पेसशिप बर्बाद हो जाता है और सिंपल कैप्टन मार्वल बच जाती है। और कैप्टन मार्वल एक 90s के ब्लॉकबस्टर वीडियो स्टोर में गिरती है, जिसमें कि वो छेद करती हुई सीधे उस स्टोर के अंदर जाती है। ये सुबह करीब 5 बजे का सीन होता है, जिसमें कि कैप्टन मार्वल खड़ी होती है और देन तुरंत पुलिस आ जाती है। देन ये मॉर्निंग का सीन होता है जिसमें कि शील्ड की एक गाड़ी आ जाती है ब्लैक कलर की, जो कि आप देख रहे होंगे सामने खड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पर तुरंत निक फ्यूरी होते हैं और देन पुलिस भी होती है, बट निक फ्यूरी पूरी टीम को संभाल लेते हैं और बात करते हैं कैप्टन मार्वल से। तो ये सीन बिल्कुल कंटिन्यूअस है क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे कैप्टन मार्वल की यूनिफॉर्म को, और देन ये सीन ब्लॉकबस्टर वीडियो के सामने का खड़ा होता है। पर कैप्टन मार्वल वहां से चली जाती है कैसी भी चकमा देकर, और देन उनका मिशन होता है स्कल्स को ढूंढना। देन वो महसूस कर रही होती है कि यहाँ पे सारे लोग मेरे ही जैसे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये काफी डिफरेंट होता है, बट वो महसूस कर रही होती है कि इन चेहरों के पीछे और कोई भी है, यानी कि स्कल्स। और देन वो एक स्कल्स को पहचान लेती है जो कि मेट्रो ट्रेन में बैठकर लॉस एंजलिस जा रहा होता है, जैसा कि मेट्रो ट्रेन पे लिखा हुआ है। और देन वो जंप करती हुई उस स्कल्स को पहचान लेती है। अब यहाँ पे एक स्कल्स एक मेल की फॉर्म में है। जी हाँ, एक मेल की फॉर्म में, ये स्कल्स एक मेल है जो कि फीमेल की फॉर्म में आ चुका है और देन एक बुढ़े के रूप में आ चुका है, यानी कि एक बुढ़िया, जिसके स्कल्स के मुंह पे एक पंच पड़ता है कैप्टन मार्वल का और देन उसके दांत निकल जाते हैं। देन वो उससे लड़ने लगती हैं
ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं इसकी एक बिहाइंड द सीन वीडियो देख चुका हूँ जिसमें कि मेल फॉर्म से लड़ रही है वो। देन उसके बाद कैप्टन मार्वल निकलती है निक फ्यूरी को ढूंढने और देन अखबार तलाशती है 90s के स्टाइल में काफी कुछ, जो कि आपको ऑलरेडी बिहाइंड द सीन में देखने को मिल चुका होगा। और यहाँ पे निक फ्यूरी कोल्सन को बोलता है कि उसे ढूंढ के लाओ कैसे भी करके, क्योंकि कोल्सन हर एक एवेंजर को पहले भी ढूंढने जा चुका है, चाहे वो आयरन मैन हो, कैप्टन अमेरिका हो या कोई भी। फाइनली जब निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को अपनी कार में बिठा के पूछता है कि तुम इस प्लेनेट की तो लगती नहीं हो, तो देन ये होता है फ्लैशबैक का सीन जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। कैप्टन मार्वल पहली बार शील्ड हेडक्वार्टर जाती है। देन यहाँ पे मुझे एक डाउट होता है, जब कैप्टन मार्वल अपना फिंगरप्रिंट देती है तो मुझे लगता है कि शायद ऑलरेडी पहले एजेंट हो चुकी होंगी, बट वो अपनी पूरी मेमोरी को भूल चुकी हैं। और निक फ्यूरी एक्सप्लेन करते हैं कि तुम आओ हमारे साथ मिलो और तुम एक हीरो हो जो कि ऊपर से आई हो, कुछ इस तरीके से बातें होती हैं। पर कैप्टन मार्वल एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर और भी कोई बर्बादी है, यानी कि स्कल्स। स्कल्स यहाँ पे ऑलरेडी पृथ्वी पे हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में रह रहे हैं, और आपको ये बात पता भी नहीं है, शायद स्कल्स शील्ड में भी हो। तो एक सीन आता है काफी कमाल का जिसपे कि निक फ्यूरी बैठे हुए हैं, उनकी आंख फूटी हुई है और उन्होंने एक स्कल्स को पकड़ भी लिया है। और देन कोट पैट पहनकर एक बंदा जो खड़ा हुआ है वो है स्कल्ट का लीडर और शील्ड का भी, जो कि ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे रोलिन वेट कर रहा है कैप्टन मार्वल का कि अभी तक कैप्टन मार्वल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि कैप्टन मार्वल को जाए हुए काफी टाइम हो गया। देन ये एक बिहाइंड द सीन जिससे ये एक्सप्लेन लगता है कि हाँ ये सब प्लान बना रहे हैं कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए। और देन ये सब दोबारा जाते हैं अर्थ पर और कैप्टन मार्वल को दोबारा से रिटर्न करने के लिए बोलते हैं। ये सीन मुझे 100% ऐसा ही लग रहा है। और देन आपका कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन कैप्टन मार्वल जब अर्थ से लौट के आती है तो उनकी मेमोरी को दोबारा से लॉस करा जाता है। जी हाँ, ये प्रक्रिया शायद मुझे लगता है बार बार होती है। और देन ये सब फिर प्लान करती हैं स्कल्स के प्लेनेट पे जाने का और उनसे फाइटिंग करने का, जिसमें कि जेडी लॉ यानी कि हमारे मार्वल आपस में लड़ रहे होते हैं और देन स्कल से फाइटिंग कर रहे होते हैं। तो ये प्लेनेट काफी खास होता है क्योंकि यहाँ पे पानी भी है और जमीन भी है दोनों, क्योंकि आपको आगे जो देखने वाले वो काफी डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल शायद अकेली पड़ जाती है क्योंकि सारे इनकी जो स्टारफोर्ड टीम होती है वो बिछड़ जाती है, बट यहाँ पे कैप्टन मार्वल तुरंत ही फाइट करने लग जाती है जैसा कि कॉमिक कॉन में हमने देखा। और देन उनकी स्पेसशिप स्कल्स, क्योंकि वो उनके प्लेनेट पे अकेली ही लड़ने लग जाती हैं। और देन यहाँ पे कैप्टन मार्वल पूरी अपनी पावर को यूज करके उनसे लड़ती हैं बुरी तरीके से। और देन आपने नोटिस करा होगा कि ये वाला सीन जिसमें कि कैप्टन मार्वल उनका बंकर उड़ा देती है जो कि उनका एक स्पेस हेडक्वार्टर होता है, और यहाँ पे एक सूरज भी या आप चांद भी कुछ भी कह सकते हो, अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये उन्हीं का प्लेनेट है। यहाँ पर कैप्टन मार्वल इन सबों की अकेले ही मार लड़ा रही होती है। और देन वो अर्थ से बाहर आ चुकी है और उन्हीं के प्लेनेट पे लड़ रही है। अब यहाँ पे ये वाला सीन, निक फ्यूरी ने अपना 100% ये वाला गैजेट कैप्टन मार्वल को दिया होगा जिससे कि वो उसे कभी भी कॉल करें तो वो रिटर्न हो। तो ये वाला सीन मुझे लगता है कि जब निक फ्यूरी ने उन्हें कॉल करा होगा तो वो रिटर्न हुई होगी। बट ये एक फ्रंट का सीन है, इसका बैक सीन भी रिलीज हुआ कैप्टन मार्वल के ट्रेलर में जिसमें कि वो हमें सामने जेडी लॉ यानी कि मार्वल दिखाई देते हैं। तो इस चीज को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि लग रहा है कि कोई ये विलन भी हो सकते हैं या एक हीरो भी हो सकते हैं, बट ये लगता है कि इनके बीच में फाइटिंग होगी। तो गाइस ये हो जाता है यहाँ पे इनका पूरा ट्रेलर का ब्रेकडाउन। देन यहाँ पे एक सीन आता है कि तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, तो यहाँ पे एक फ्लैशबैक स्टोरी। तो कैप्टन मार्वल एक हाईटेक जेट में जाती हैं और देन वो एक नजारा देख रही होती हैं। नजारा देखते देखते सामने ही एक फ्लैशबैक चल रहा है, सामने एक क्री साम्राज्य का जेट विजिबल होता है जो कि हिडन होता है, और देन वो उस पर हमला कर देता है जेट पर, और कैप्टन मार्वल बुरी तरीके से अर्थ पे जाके गिरती है जो कि इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और देन यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिससे कि कैप्टन मार्वल को अपनी यहाँ पर पावर मिलती है। तो हमें ये भी सीन इस मूवी में दिखाया जाएगा। और देन कैप्टन मार्वल बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है उस ब्लास्ट में, और देन उन्हें मिलती है अपनी पावर जो कि काफी खतरनाक पावर होती है। और यहीं से कैप्टन मार्वल को मिलती है अपनी ऐसी पावर जो कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर होती है, जो कि थैनोस को लेवल बराबर कर देती है। तो गाइस ये है वो कैप्टन मार्वल का शॉर्ट बाय शॉर्ट कैटेगरी का ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर आपको अभी कोई डाउट कोई भी पॉइंट क्लियर करने हैं तो आप मेरे ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। और मैं आपको पहली पर्सनल सजेशन ये देना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे करोगे तो आपको मैं रिसेंटली शायद रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम से काफी आसानी होती है रिप्लाई देने में। और देन गाइस आपको और भी कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ भी और इसके बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।